जहां एक तरफ विद्युत कर्मचारियों की जिद पर अड़े रहने से जनता की परेशानी कम होती नजर नहीं आ रही है, वहीं दूसरी तरफ तहसील प्रशासन अकबरपुर SDM पवन कुमार जायसवाल व तहसीलदार JP यादव पूरे दल बल के साथ रात दिन एक कर दिए हैं। उनका कहना है कि जनता को किसी तरह से कोई परेशानी नहीं होने पाएगी, हम लोग निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखिए यह रिपोर्ट। विद्युत वितरण खंड टांडा, आप लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है सरकार से आप लोग? देखिए, हमारी कोई मांग नहीं जी। सरकार से ऊर्जा मंत्री माननीय AK शर्मा जी की उपस्थिति में और मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी जी की उपस्थिति में 3 नवंबर 2022 को 14 सूत्री मांगों पर समझौता हुआ था और हमारी जायज मांगों को सरकार ने मान लिया था और ये कहा था कि हम शीघ्रातिशीघ्र इसका आदेश निर्गत कर देंगे, इसका क्रियान्वयन करा देंगे। लेकिन लगभग चार पाँच माह बीत जाने के बाद भी, लगातार स्मरण दिलाने के बाद भी, आज तक प्रबंधन में बैठे हुए जो शीर्ष प्रबंधन में MD चेयरमैन है, इन लोगों ने कोई वार्ता तक नहीं किया पालन कराने का, तो बहुत दूर तक मांग है, दूर तक की बात है। विवश होकर के ये हड़ताल हम लोगों के ऊपर थोपी गई है सरकार द्वारा, प्रबंधन द्वारा है। हम अभी भी आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से ये अपील करते हैं कि मुख्यमंत्री जी, चेयरमैन और ऊर्जा मंत्री आपको गुमराह कर रहे हैं, आप जो हमारी मांगे हैं उसका आप अपने स्तर पर पुनर्विचार करिए।